जय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो नीट 2024 हो गया। मैं डॉक्टर एसपी सिंह फ्रॉम न्यू लाइट इंस्टीट्यूट। मेरी कोशिश यही होती है आपका काम आसान हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पर्टिकुलरली बायो की बात करें तो आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े नोट्स और मैटर होते हैं जिनको देख के आपको कन्फ्यूजन हो जाता है और आपको ये लगता है कि कहाँ से पढ़े और कहाँ से नहीं पढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक हमने क्विक रिविजन की बुकलेट बनाई थी जिससे हमने वीडियो डाला था। नीट में 23 में मिले थे 90 प्लस क्वेश्चन, री नीट में 95 क्वेश्चन, और इस बार नीट 2024 में आपको मिल रहे 199 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन केवल छूटा था टीआई प्लास्मिड, वो भी हमने अपने फुल लेंथ पे दिया था। यस सर। तो एक कॉन्फिडेंस आता है सुरभि में, मेरी एक आदत भी है कि जो मैं करता हूँ उसको रियलाइज जरूर करता हूँ कि उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यस सर। और ऐसे बहुत सारे कमेंट आए बच्चों, जरा ये कमेंट पढ़ दीजिए। सर हेलो, प्लीज फॉरवर्ड माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सिंह सर। दिस इज माय 8th अटेम्प्ट इन नीट 2024 एंड आई एम स्कोरिंग 626 मार्क्स आउट ऑफ 720 मार्क्स। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी। फाइनली आई हैव क्रैक्ड नीट। एवरी ईयर माय सिलेक्शन गेट्स स्टॉप बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन इन बायो, बट दिस ईयर due to quick revision booklet of bio turns out magical for me. Only reading those 10 booklets and revising those multiple times I have scored 340 marks in biology. A big thanks to new light team for me. तो सुरभि मैम, जबकि ये बच्ची हम लोगों के पास थी भी नहीं, yes, sir. बच्ची या बच्चा जो भी है, तो मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, हालांकि अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाए कि बुकलेट से ही सारे सवाल आएंगे। yes, sir. और इस बुकलेट में खास क्या है सुरभि मैम, जो बच्चों ने बनाया है जितने भी आए हुए पॉइंट्स है, yes, sir. उन्हीं के बारे में लिखा है जी। तो 199 क्वेश्चन, yes, आए इस बुकलेट से। yes, sir. थोड़ा सा बच्चों को यह भी बता दिया जाए कि हमने बोला था नीट 2023 रीनीट में भी आएंगे सवाल, 75 प्लस, yes, sir. और करीब 95, और जो कहा था वही हुआ। रीनीट का पेपर भी क्विक रिविजन की बुकलेट से आया। और अब हम लोग बिना देर किए बच्चों को एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें। प्यारे बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा नीट क्रैक करना कितना आसान है, नीट वर्सेस क्विक रिवीजन। यस। तो प्यारे बच्चों, 99 सवाल थे, एक सवाल टीआई प्लास्मिड का, वो हम लोगों ने एफएलटी में फुल सिलेबस टेस्ट में कम से कम 10 बार पूछा था। अगर कोई बच्चा पूरी तरह से दूसरे सोर्स को बिना यूज किए हुए अगर इसको फॉलो करता तो उसके 360 बहुत आराम से आ जाते। यस सर। फेथ करना करना पड़ेगा बेटा, पिछले 40 साल से यही काम कर रहे हैं, मेरा प्रयास यही होता है आपका काम आसान हो। और फिर जैसे हमने बोला था री नीट के लिए, जैसे बोला था नीट 2023 के लिए, 2024 में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और 2025 में हम लोग इस बुकलेट को और मॉडिफाई कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं, डिलीटेड पोर्शन को हटा रहे हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन को ऐड कर रहे हैं। करीब 20-25 दिन का टाइम लगेगा। Yes, sir. क्यों सुरभि मैम, हो जाएगा 25 मिनट में? 25 दिन में? Yes, 25 मिनट नहीं, 25 दिन में। yes, sir. तो उसके बाद ये बुकलेट आपके घर जाने के लिए रेडी हो जाएगी। और हम जरूर बोलेंगे कि जिन बच्चों ने क्विक रिवीजन की बुकलेट कूरियर से मंगवाई थी वो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि ये कितनी यूजफुल थी और इससे उनको कितना फायदा हुआ। प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिएगा, इस वीडियो में जल्दबाजी मत करिएगा। ऐसा मत करिएगा एक मिनट देखा और हटा दिया, आपका कितना टाइम जाएगा, आधा घंटा जाएगा, 45 मिनट जाएगा, लेकिन उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा विदाउट एनी कंफ्यूजन, केवल एनसीईआरटी से ही सवाल आ रहा है। और इस बुकलेट में बेटा उसी एनसीईआरटी को आसान करने का काम किया जा रहा है। देखिए यहां लिखा होगा ईयर और यहां लिखा होगा क्वेश्चन। यस। और बायो में कुछ ऐसा नहीं होता, अगर आपको फैक्ट्स आते हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस बुकलेट में एक और काम है सुरभि मैम कि हम लोगों ने एक पिरामिड भी दिया है जी सर, कि कौन सा पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक बार ये जरा बच्चों को बुकलेट दिखा दी जाए। यस सर। ये हम लोगों ने 10 यूनिट बनाई थी और बच्चों ये आपकी 10वां बुकलेट है। और जिन बच्चों ने लिया था इसको कूरियर से वो जरूर देखेंगे, आपके पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी आए होंगे क्योंकि बच्चा मल्टीपल रिसोर्स यूज ही करता है। मेरा आपसे ये कहना है कि जो 40 साल का उम्र उसका फायदा उठाइए, और नीट 2024 छूट गया तो 25 में कोई रिस्क मत लीजिए, बिल्कुल रट लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं फिर 2025 में 23 की तरह, 24 की तरह, 25 में भी आपको ये वीडियो बना के देंगे। क्लियर।
जैसा कि बच्चों हमने बोला था, हम लोग आपको क्विक रिवीजन से एक एक क्वेश्चन मिला के बताने जा रहे हैं। और क्विक रिवीजन जो बुकलेट बनाई गई थी बच्चों, पीवाईक्यू के बेस बनाई गई थी, एनसीईआरटी के बेस बनाई गई थी, इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया था कि आपको बाद में रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इकट्ठे आप पूरी एनसीईआरटी रिवाइज नहीं कर सकते नीट के एक दिन पहले, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा बोझ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देर किए आप ये देख सकते हैं कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 से कितने सवाल थे, 6, 7, 8, 9, 10 से कितने सवाल थे। अब हम लोग आपको बताने जा रहे हैं नीट वर्सेज क्विक रिवीजन, और हाँ, नीट वर्सेज न्यूलाइट भी मिलाएंगे, नीट वर्सेज एफएलटी भी मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सुरभि सेट लिया है R6, और इस R6 सेट में हम लोग मिलाने जा रहे हैं नीट के पेपर को क्विक रिवीजन से। Yes, sir. और ये बच्चों को बता दें, यहाँ पर है ये नीट का पेपर और इधर हमारी है क्विक रिवीजन की बुकलेट। तो बड़ा सीधा सीधा देखिए, वहां पे लिसाइथीन दिया। Yes, sir. प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे लिसाइथीन है, ये यूनिट 3 है, पेज नंबर 16 है, और 14 पॉइंट दिया है, आप मिला सकते हैं, आपके घर पे बुकलेट है। इसके बाद अगर बच्चों हम लोग दूसरा सवाल देखें तो बिल्कुल सीधे सीधे बायोडाइवर्सिटी लॉस, अगर आपको याद हो तो मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था नीट से पहले, आएंगे 300+। और बिल्कुल देखिए सेम ऑप्शन के साथ यहाँ पे क्वेश्चन मैच कर रहा है। और एक और बात है बच्चों, देखिए ये नीट 2019-16-23 में पूछा गया, और यहीं पे सीधे से 24 में लिख दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट 10 31 पेज 29। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में सेप्टा का रोल होता है, सिनोसिटिक है, नेचर ऑफ माइसीलियम भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सेप्टा के बारे में बताया गया है। यस सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें सुरभि मैम, तो देखिए वहां पे क्या सवाल है, स्नैप ड्रैगन। और यहाँ पर बच्चों देख लो, स्नैप ड्रैगन आप बहुत इत्मीनान से मिलाना, हम लोग थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए आपको दिखाते जा रहे हैं। अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस 18-16, यहाँ पे भी नीट 2024 लग जाएगा। तो बच्चों पढ़ते समय पीवाईक्यू जरूर देखिए, और ये क्विक रिवीजन की बुकलेट आपके लिए फिर नीट 2024 में बून साबित होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, और यहाँ पे देख लीजिए ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, आपको पता चल जाएगा पूरा बच्चों मैच कर रहा है। आगे आ जाइए, देखिए ये इस बुकलेट में बेटा हमने डायग्राम नहीं दिया था, कंटेंट दिया है, इस बार डायग्राम का भी सेपरेट बुकलेट बना के दे रहे हैं। और यही देखिए, यही सारी चीजों के बारे में पूछा गया है, तो स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। आगे बच्चों देखिए, यहाँ पर कोफैक्टर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जिंक, और यहाँ पर देखिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यहाँ पर देखिए जिंक। बहुत बच्चों अच्छे से ये बुकलेट लिखी गई, कोफैक्टर पोस्टी ग्रुप, कोएंजाइम, बेटा लाइन, कुछ भी नहीं छूटा है। अब यहां पर देख लीजिए, क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटिन स्टेज, क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये तो लगता है कि बिल्कुल उठा के रख दिया है। यस सर। तो भैया नीट 23 में भी देखा, 24 में भी देखा, अब 25 में भी देख लेना, थोड़ा सा आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट क्विक रिवीजन पढ़े, नहीं, एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्विक रिवीजन आपके 60 नोट्स की तरह होगी, और इसके बाहर सवाल किसी भी कीमत पे नहीं आएगा नीट 2025 में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर एलियन ऑर्गेनिज्म में जो होस्ट, आपका हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, इंट्रोडक्शन, ये सब करते ही हैं। और ये यूनिट 9 पेज नंबर 3 पॉइंट नंबर 123 ठीक है। नेक्स्ट पेरीगाइनस। अब यहाँ पर देखिए पेरीगाइनस, और ये क्वेश्चन जानते हैं, ये हम लोगों के एफएलटी के पेपर में ये ऑप्शन के साथ दिया था हम लोगों ने, और हमने इंपॉर्टेंट में बताया था हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, बच्चों देखो मैच कर रहा है। तो अच्छा सुरभि मैम, हम तो हर चीज में अपने बच्चों की हेल्प लेते हैं। यस सर। तो हमारी एक बच्ची है सुकन्या, जिसने स्कोर करने जा रही है 680+। यस सर। ये आपके इस वीडियो में हेल्प करेगी। यस सर। तो सुकन्या पहले तो बेटा बहुत बहुत बधाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुकन्या। तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे मैच कर रहे हैं हमारे क्विक रिवीजन की बुकलेट से। तो यहाँ पे देखो एलएल और टेस्ट क्रॉस गिवन, वहाँ पे कहाँ पे गिवन है एलएल और टेस्ट क्रॉस, 21 पॉइंट पे टेस्ट क्रॉस है और 10th पॉइंट पे एलएल्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 113 क्वेश्चन हमारे पास, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मतलब डी डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा है, वहां पे भी डी डिफ्रेंसिएशन गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114, और एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक, तीनों के एग्जांपल्स और सिमेट्री वहां पर सब गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिन सेकंड, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो वहां पे भी सेम टू सेम लिखा है, पूरा पूरा लाइन लिखी है, और सिक्स बेस पेयर भी वहां पे पूरे लिखे हुए हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117 और ये क्वेश्चन डार्क रिएक्शन के बारे में है कि डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, तो सेम टू सेम वहां पे भी यही क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117 और ये क्वेश्चन है हमारे बीटी टॉक्सिन के बारे में, तो सेम टू सेम पूरा पैराग्राफ वहां पे मार्क कर देना सुकन्या, कौन कौन सा पैराग्राफ पॉइंट और हमारा कौन सा स्पेसिफिकली बता रहा है बीटी टॉक्सिन के बारे में। मैम ये यूनिट 9 के पेज 14 पे पॉइंट नंबर 12, 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118, तो क्वेश्चन नंबर 118 किसके बारे में है, लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का भी सेम टू सेम मुझे तो यहां से दिख रहा है कि साफ साफ सीधा सीधा वहां पे पूरा दिया हुआ है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119 और 119 का होल प्लांट एनी सेल टोटिपोटेंसी पूरा होल प्लांट सेम टू सेम सेम टू सेम। और क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया है और हम लोग ने इसको बार बार बताया भी था आपने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 इनडायरेक्टली पूछा गया था, XC2 नहीं दिया था उसमें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दिया था और वहां पे हम लोग ने XC2 के बारे में पूरा बताया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121 और क्वेश्चन नंबर 121 है लैक ऑपेरॉन के ऊपर और परमिएज, वहां पे भी सेम टू सेम परमिएज गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 और 122 की स्पिंडल फाइबर अटैच काइनेटोकोर से क्रोमोसोम्स पे होते हैं कौन से फेज में, मेटाफेज में, और वहां पे भी मेटाफेज गिवन है। कौन सी यूनिट का था सुकन्या? यूनिट 3 पेज 31 एंड पॉइंट नंबर 36 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123, इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको याद है? Yes, कि हमने कहा था क्विक रिवीजन की बुकलेट का फिलिंग इन द ब्लैंक बनाइए, उसके नीचे के क्वेश्चन लगवाइए। यस सर, ये हम लोगों ने रैपिड फायर भी बहुत बार, तो वो भी बच्चे देख सकते हैं। हाँ सर ठीक है, कंटिन्यू बेटा। जी सर, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई और यहाँ पे भी ध्यान से हम लोग ने जैसे बताया कि हमने अभी डायग्राम लिए थे हमारे क्विक रिवीजन बुकलेट में, लेकिन डायग्राम के भी क्वेश्चंस के पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पे गिवन था, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, रेडिकल, प्लीम्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 124 और यहाँ पे बताया गया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पूछा गया था और वहां पे भी हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सारे पॉइंट्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 125 केल्विन साइकिल और सुकन्या उधर जरा रीड करो वो पॉइंट, फॉर ईच CO2 2 NADPH2 प्लस 3 ATP आर रिक्वायर्ड फॉर केल्विन साइकिल। क्वेश्चन ये वाला देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADP आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 सेम टू सेम पॉइंट, तब इससे बाहर कहां जाएगा? जी कहीं नहीं जा सकते, सेम पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 126 और यहाँ पे पूछा गया था पैरेन्काइमा और जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है, वेसल्स नहीं होते, सेम टू सेम पॉइंट वहां पे भी गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 127 ऑक्सिन के बारे में पूछा गया था कि डाइकॉट वीट पे मोनोकॉट वीट, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि डाइकॉट वीट पे डालते हैं तो मोनोकॉट पे क्या असर पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, तो वहां पे भी हमने सेम टू सेम क्वेश्चन और पॉइंट सारे वहां पे डिस्कस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 और ये क्वेश्चन है आपका टेस्ट क्रॉस से और टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस की पूरी डेफिनेशन हमारे क्विक रिवीजन बुकलेट में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकन्या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, वहां पे रीड करना जरा वो एग्जांपल इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मैलोनेट और किसके अंडर लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और किसमें पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेम टू सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 और मैचिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन माइक्रोब्स, मतलब इतने सारे माइक्रोब्स हैं तो हमेशा मैचिंग ही बनाते हैं, तो सेम टू सेम पूरा का पूरा क्या हो रहा है, सिमिलर है, पूरा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 131 और यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज रिलीजेस बाय IUCN, क्या सुकन्या वहां पे कहीं IUCN गिवन है? मैम ये फर्स्ट लाइन है कि द IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीशीज, तो सेम टू सेम। अगर इसकी बात करें तो रेड डेटा बुक हम लोग ने कई बार कराया था, NCERT में भी कई बार गिवन है, लेकिन उन्होंने सेफ जोन रखते हुए NCERT वाला पॉइंट यहाँ पे पूछ लिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132, जरा देखो ल्यूकोप्लास्ट कहीं पे गिवन है वहां पे, सेंट्रियोल, यस मैम ये, तो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स क्या है, सिमिलर हमको मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 133 अगरिकस क्या है, मशरूम है, और वहां पे एग्जाम्पल्स का भी हम लोग ने एक सेशन किया था जिसमें पूरे NCERT फर्स्ट और NCERT सेकंड के एग्जाम्पल हम लोग ने एक साथ कराए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 134 वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रोला फ्रेश वाटर, हाँ तो सेम टू सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास 135 बुली फॉर्म सेल,
वहां पे भी पूरा पूरा पैराग्राफ में बुलिफॉर्म सेल्स का हमें दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, यहाँ पे मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस और पूरे सारे पॉइंट है वहां पे. एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है पॉलीएंड्रस. क्या पता अगली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 137 और यहाँ पे क्रेब साइकिल का एक स्टेप पूछा गया, तो वहां पे भी हमने क्रेब साइकिल के स्टेप में मेंशनड है. नेक्स्ट है हमारे पास 138, तो 138 में जरा सुकन्या वहां पे देखना कि क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है. डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए 70s राइबोसोम, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 139 है हमारे पास कि कौन से साइंटिस्ट ने किसके ऊपर वर्क किया था, कौन सा प्रिंसिपल दिया था. और ग्रिफिथ पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया, तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में साइंटिस्ट हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, और हम लोग ने जब सर के साथ एक वीडियो बनाया था कि कौन सा टॉपिक हटा है कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है, तो उसमें हम लोग ने बताया था कि स्ट्रेटजीज पूरा डिलीट हो गया है लेकिन उसका एक पार्ट उठा के उन्होंने क्या कर दिया, बायोटेक में रख दिया, और वहां से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था सेम टू सेम प्रोटोप्लास्ट, और वहां पे भी प्रोटोप्लास्ट के बारे में पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 141 और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये पूछा गया था विंड पॉलिनेशन में. किसमें? विंड पॉलिनेशन. तो विंड पॉलिनेशन में हमने, ये तो साफ साफ दिख रहा है एक्सपोज्ड, तो यहाँ से तो हमको दिखना चाहिए था कि एक्सपोज्ड आपका पूरा स्टैमेन क्या है, एक्सपोज्ड है, कॉर्न कॉब है ये हमारा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142 रूबिस्को, पूरा मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 हमारे पास, ये भी हमारा इकोलॉजी का है और यहाँ पे भी साइंटिस्ट और उनकी रिस्पेक्टेड डिस्कवरीज के बारे में गिवन है. रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस वहां पे कहीं गिवन है, ओलिच रिवर पॉपेट, और डेविड टिलमैन भी हमें वहां पर गिवन गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144 और ये क्वेश्चन पूछा गया था इकोसिस्टम से, और यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने बस कि हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस खत्म. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 145 और यहाँ से पूछा गया था रेप्लिकेशन से, और सेम टू सेम वहीं पे वो पॉइंट वहां पे गिवन है, यूनिट 7 पेज नंबर 22 एंड पॉइंट नंबर 62. तो क्वेश्चन नंबर 146 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो क्या सुकन्या वहां पे गिवन है, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया था. यस मैम, एकदम मेंशनड है यहाँ पर ईटीएस के बारे में, और सेम टू सेम प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सेम पॉइंट मेंशन, और सेम टू सेम सारे पॉइंट आपको वहां पे मिलेंगे. जब आप क्विक रिवीजन को रीड करोगे, ये पूरी वीडियो आप देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ लास्ट टाइम पे अगर हम क्विक रिवीजन पढ़ के चले जाते तो हमारे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं सही हो जाते, वो सही हो जाते. और एक क्वेश्चन और था जो आपको याद हो, एनएल सरकाई वाला अभी आएगा, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि कौन से सेगमेंट में है, लेकिन हमने क्विक रिवीजन में 10 सेगमेंट बताया गया, तो वो भी क्वेश्चन जिन बच्चों का शायद छूटा हो तो वो भी क्वेश्चन उनका सही हो सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 147 और ये जिबरलिन के बारे में पूछा गया था, तो वहां पे भी पूरा मेंशन है कि जिबरलिन कॉज इंक्रीज द यील्ड बाय 20 टन्स पर एकर, और ये स्टेटमेंट है शुगर केन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 148 और यहाँ पे फियोफाइसी के कैरेक्टर्स दिए हैं, मैनिटॉल और लैमिनेरियन, सेम. क्वेश्चन नंबर 149 है हमारे पास ट्विस्टेड एस्टिवेशन, पेरिगाइनस, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, तो सेम टू सेम पूरा ये फ्लोचार्ट से पूछा गया है, पूछा गया सेम टू सेम. तो क्वेश्चन नंबर 150 है हमारे पास और ये चार्ट, ये पूरा चार्ट हमने बायोमॉलिक्यूल का उठा के रिवीजन में लगा दिया था, और सेम टू सेम वहां से पूरा मैचिंग, पूरा मैचिंग आ गया. तो सुकन्या 150 क्वेश्चन से यहां तक हम लोग ने देख लिए हैं, यू मस्ट बी टायर्ड. तो मैं अपनी कलीग सुभाषिनी को इनवाइट करती हूँ आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए. थैंक यू सो मच सुकन्या एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. तो सुभाषिनी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से, तो क्वेश्चन नंबर 151 ये पूरे जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं क्या वो वहां पे गिवन है? जी मैम, ये देखिए यहाँ पे लैप्टोटीन, जायगोटीन, पाइस्टीन, डाइकनाइसिस, पूरे पॉइंट. जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 152 और यहाँ पे स्यूडो सिलोमेट, सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट जब वहाँ पे गिवन है. जी मैम, पूरा चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे क्विक रिवीजन बुकलेट में, यहाँ देख सकती हैं ए सिलोमेट, सीटो सिलोमेट, अभी तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं. हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 153, क्वेश्चन नंबर 153 हमारे पास मेड्यूला, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस एंड उसके साथ साथ न्यूरोसेक्रेटरी सेल न्यूक्लियस. क्या वहां पर देखिए मैम, ये से देखिए सेरेब्रम, मेडुला, यहां पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, यूनिट 5 पेज 44 पॉइंट नंबर 20 सब कुछ दिया हुआ.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 154 और जरा देखिएगा कमाल क्विक रिवीजन बुकलेट का कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वोलाई और इन एल्वोलाई में हम लोगों ने पूरा हाँ जी मैम पूरा पॉइंट दिया हुआ है एकदम लिखा हुआ है इन एल्वोलाई हाई PO2 लो PCO2 लेस हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 155 और ये फेजेस गिवन है तो क्या वहां पे फेजेस गिवन है G1 फेज S फेज G2 फेज बिल्कुल डिटो दिया गया है और कैरियोकाइनेसिस दैट फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस फॉलो. यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 156 तो क्वेश्चन नंबर 156 अगेन डायग्राम क्वेश्चन लेकिन डायग्राम तो नहीं था लेकिन पूरा डिस्क्रिप्शन उसका वहां पे पूरा टेबल दिया हुआ है गिवन था जी मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 तो 157 क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम्स के बारे में और जितनी भी टाइप की आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम लोग पेपर आए नीट का और उसमें डिसऑर्डर्स ना दिए जाएं और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिजीजेस और डिसऑर्डर की क्लास करवाई थी जी मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 158 और 158 पूछा गया है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या मायस्थीनिया ग्रेविस वहां गिवन है. मैम बिल्कुल गिवन है ये देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या वहां पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है. यस मैम सेम टू सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 159 तो 159 क्वेश्चन हमारा कि लेडिक सेल्स के ऊपर कौन वर्क करता है हमारा. यस मैम एलएच एंड एलएच तो वहां पे स्टेटमेंट्स ये लिखा हुआ है एलएच एक्ट ऑन द लेडिंग सेल एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और याद रखिएगा एफएसएच करता है स्पर्मियोजेनेसिस. ओके मैम. नेक्स्ट हमारे पास डिसेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले हेनले लूप सेम टू बिल्कुल दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 कोलेस्ट्रम क्या उधर कोलेस्ट्रम दिया हुआ है मैम. ये देखिए मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम और बहुत ज्यादा रिच होता है एंटीबॉडीज में और मेनली एंटीबॉडी रिलीज होती है IgA. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 162 और 162 में पूछे गए हैं हमारे ड्रग्स तो ड्रग्स के बारे में भी पूरा वहां पे क्या किया है. कोकीन है. यस मैम बिल्कुल है. हीरोइन है. सेम टू सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 तो 163 क्वेश्चंस एग्जांपल्स और सेम टू सेम एग्जांपल्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और जो हम लोग ने क्लास कराई थी वहां पे भी आपको पूरे एग्जांपल्स एक साथ रिवाइज कराए गए थे. क्वेश्चन नेक्स्ट फिर अगेन एग्जांपल्स टीनोफोरा मलस्का हेमिकॉर्डेटा और ऑस्टिक्थीस के एग्जांपल्स के बेसिस पे यहाँ पे पूछा गया था वहां पे भी गिवन. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 169 और इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी एनएल सरकाई और इसका डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं कि 10 सेगमेंट नहीं होता लेकिन पिनने लिखा है. ये देखिए 10 सेगमेंट और नीट 21 18 16 और उसके साथ साथ 23 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया 2024 में भी अब बस ऐड हो जाना है वहां पे पॉइंट कि 2024 में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 166 पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ये देखिए मैम तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन स्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 167 तो बायोरिएक्टर्स सेम टू सेम हमारे पास बायोरिएक्टर्स के सारे पॉइंट गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 168 डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किसमें यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 169 और जॉइंट्स क्या वहां पे जॉइंट्स के एग्जांपल हैं फाइब्रस जॉइंट्स. ये देखिए सारे एग्जांपल कार्टिलेज जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट्स पूरे विद एग्जांपल गिवन हुआ है गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 170 और यहाँ पे 170 क्वेश्चन में ये जो आपका ये जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक की यूनिट और वहां से क्वेश्चंस उठाए गए हैं किस फॉर्म में मैचिंग के फॉर्म और इस बार के मैचिंग की सबसे खास बात ये थी कि एक ऑप्शन से आपका सारी मैचिंग सॉल्व हो जा रही थी तो वहां पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं थी. क्राई फर्स्ट एबी क्राई फर्स्ट एसी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी सब कुछ वहां पर गिवन है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 171 तो क्वेश्चन नंबर 171 पूछा गया है क्या माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे गिवन है. यस मैम ये देखो सीलिया एंड फ्लैजेला एंड क्रोमोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 172 एसए नोड मतलब ये रूट पूछा गया था कि एसए नोड एवी नोड एवी बंडल फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिज देन उसके बाद पुर्किंजी फाइबर तो वहां पे भी हमने एसए नोड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 173 हमारे पास द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी तो हाइमेन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी इट कैन बी टॉर्न बाय एनी अदर फैक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 174 और यहाँ पे भी
कई बार डिजीजेस सर हमेशा कहते हैं सेल ग्लैंड डिजीज डेटा, सेल ग्लैंड डिजीज डेटा, इसके बिना नीट का पेपर नहीं बन सकता। और सेम टू सेम वही चीज हुई, क्या कॉमन कोल्ड गिवन है वहाँ पे? बिल्कुल गिवन है। क्या वहाँ पे विडाल टेस्ट गिवन है? टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, हीमोजोइन मलेरिया, सेम टू सेम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 175 और क्वेश्चन नंबर 175 सेम टू सेम अगेन अगेन क्वेश्चन है हमारे पास डिजीज का। जी मैम। और वो भी किसमें? मैचिंग में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये देखिए टाइफाइड कॉज बाय बैक्टीरिया, इसमें पूछा है किस डिजीज किसने किया। yes. ये देखो रिंगवॉर्म कॉज बाय फंजाई, बिल्कुल सेम। और एलिफेंटियासिस इट इज काइंड ऑफ हेलमेंथिस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 176 है कैपेसिटीज, और सेम टू सेम टेबल, पूरा फ्लो चार्ट मैम पूरा दिया हुआ है, एकदम गिवन है। और ये नीट 2019-2023 एंड फिर रिपीट हो गया 1024। 177 क्वेश्चन है हमारे पास कि हार्डी विंगर प्रिंसिपल को कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करती है? तो वहां हमने बताया था कौन सी अफेक्ट करती है, तो जहां पे नहीं होगा वो एग्जांपल यहां पे आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या था? कांस्टेंट जीन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लाइपेज न्यूक्लियस प्रोटीएज एमाइलेज कौन सी चीज किसको डाइजेस्ट करती है? तो वहां पे भी पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक्सेट्रा बाय डीहाइड्रोजनेशन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी हटाओगे तो बॉन्ड टूटेगा, बनेगा। पानी डालोगे तो बॉन्ड टूटेगा। क्वेश्चन नंबर 179 फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो आपको फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट गिवन है, वहां सारे गिवन है, और जो इसमें नहीं होगा वो आपका कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 180 है हमारे पास आईयूडीज, और सर ने लास्ट में एक वीडियो भी डाला था आईयूडीज से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे नीट में पूछे जा सकते हैं, तो उनमें ये हॉट टॉपिक था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्म। ये देखिए नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप कॉपर रिलीजिंग डायरेक्ट बिल्कुल दिया हुआ है। क्विक रिविजन मैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए जाते टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। यूनिट 6 पेज नंबर 31 एंड पॉइंट नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कौन सा नहीं है? तो कौन सा है वो याद कर लो, कौन सा नहीं है अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन क्या है? प्रोटीनिशियस हॉर्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 182 और ये 182 प्लाज्मिड का क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया था कि रोप ओराई कहाँ पे है? तो यहाँ पे सेम टू सेम रोप एंड ओराई आपको पता होनी चाहिए, वो किस चीज में हेल्प करती है वो भी पता होनी। यूनिट 9 पेज नंबर 7 पॉइंट 36-39-40 आप जाके मैच भी कर सकते हैं मैम, आप जाके क्विक रिवीजन का उठा के बुकलेट आप मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया इसको परचेज किया था हमारे न्यूलाइट ऐप से, और उनको उनके बार बार मैसेज, जैसे एक मैसेज हमने शुरू में दिखाया था, बट ऐसे कई मैसेज हैं जो बच्चे थैंकफुल हैं कि उन्होंने न्यूलाइट की क्विक रिवीजन की बुकलेट परचेज किया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 183 और क्वेश्चन नंबर 183 सेम टू सेम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नेचुरल या ट्रेडिशनल, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 184 और यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया था कौन पहले आया था, तो सेम टू सेम फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल एंड देन उसके बाद सैपियंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 185 और केवल एक यही इकलौता क्वेश्चन है जो हमारी क्विक रिवीजन की बुकलेट में नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने पूछा नहीं था। जितनी बार फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज हुई है हर बार क्वेश्चन रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि न्यूलाइट ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करा। हम मान रहे हैं कि हमारी क्विक रिवीजन में ये पॉइंट नहीं था, लेकिन एफएलटी में ये पॉइंट गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 186 और क्वेश्चन नंबर 186 हमारा पॉलीमरेज वगैरह के बारे में पूछा गया था, और पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 और 187 क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस बताना था आपको, एंजाइम कैसे सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, तो हमने भी वहां पे फ्लो चार्ट के बेसिस में दिखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 188 है हमारे पास कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स किस टाइप के होते हैं, तो कहां पूछा जाता है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या क्या लॉन्ग होता है, तो उनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, वो मिड्यूला के अंदर तक जाता है, तो सेम टू सेम वो सारे पॉइंट्स हमने वहां पे डिस्कस करे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 189 और माइटोकॉन्ड्रिया अगेन क्लोरोप्लास्ट, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो सेल, सर ने बार बार बोला था कि सेल यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 क्वेश्चन वहां से बने केवल सेल की यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 190 और ये गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल,
पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 191 और यहाँ पे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का जो चार्ट है वो कई बार हम लोगों ने अपने रिवीजन में उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 और यहाँ पे भी अगेन डिजीजेस डिसऑर्डर्स। और सर ने पूरी एक क्लास ली थी पूरी डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स की, सेम टू सेम आप देख सकते हैं एक्सोथेल्पिक गोइटर जिसको ग्रेव डिजीज बोलते हैं क्रिटिनिज में, और उसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन अगर अडल्ट में ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होती है एक्रोमिगैली, डिफॉर्मेशन हो जाता है फेस का। 193 क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे एरा और सेम टू सेम डायग्राम हमने एरा दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 194 है हमारे पास यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सेम टू सेम चार्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 195 हमारे पास है एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम मतलब कोडोमिनेंस, मतलब आपको कोडोमिनेंस भी पढ़ना है और ग्रुपिंग सिस्टम भी पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी 1 प्लस एनसीईआरटी 2 मिक्स। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 196 हमारे पास है कि ये आपके कॉकरोच के पार्ट्स के बारे में पूछा गया था, तो सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 197 हमारे पास कि ये आपका लिम्फॉइड ऑर्गन से रिलेटेड है कि कहाँ पे कौन सी चीज फॉर्म होती है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है, सेम टू सेम वहां पे वो चीज गिवन। क्वेश्चन नंबर 198 है हमारे पास ब्रेन स्टेम, तो क्या वहां पे ब्रेन स्टेम गिवन है? बिल्कुल गिवन है। ये देखिए ब्रेन स्टेम फॉर्म कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है, तो मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेड्यूला, और इसका पार्ट आपका सेरेबेलम सेरेब्रम नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, तो सेम टू सेम गिवन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जब मैम हम लोग ने भी एक सीरीज चलाई थी मैंने और शैलेन सर ने, तो उसमें जो हम लोग ने डेली वाइज डेली चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले थे उसमें हम लोग ने ये पॉइंट, ये जितने भी हम लोग ने पॉइंट्स कराए हैं ये जितने भी आपके क्विक रिवीजन में आपको मिलेंगे, आपके एफएलटी के पेपर में मिलेंगे, आपको हमारे रिवीजन जो हमने ऑनलाइन कराए थे उसमें मिलेंगे, और जितना हम लोग ने सीरीज चलाई थी उन सारे क्वेश्चंस को मिला के एक पेपर तैयार कर दिया। तो मतलब बच्चों को ये लगा ही नहीं जो जिन्होंने पेपर दिया है कि वो न्यू लाइट से हटके कोई पेपर दे रहे हैं, उनको ये जो पेपर हुआ था कि वो न्यू लाइट की एक और टेस्ट दे रहे हैं। जी मैम, तो ये बहुत खास बात है हमारे इंस्टीट्यूट की, हम लोग जो बोलते हैं वो हम लोग करते हैं और करके दिखाया है 2023-2024 भी, और अब करके दिखाएंगे 2025 में। तो ये था आपका क्विक रिवीजन वर्सेस नीट, तो 99 क्वेश्चंस टोटली मैच हो गए हैं। एक क्वेश्चन हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस टीआई प्लाज्मेट जो कि हमने एफएलटी के पेपर में ना जाने कितनी बार पूछा है। तो ये था आपके लिए वीडियो हमारी तरफ से, आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे कि आपके लिए ये जो बुकलेट्स हैं वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको हमारे ऐप से परचेज भी कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच।